प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है बचपन का सबक। कमालपुर गांव के चार पक्के दोस्त अब शहर में रहते थे। चारों बचपन में साथ थे, साथ खेलना, साथ घूमना और साथ ही में शरारतें करना। समय के साथ चारों दोस्त बड़े हो गए, लेकिन अभी भी जब मिलते पुराने दिनों को याद करके फिर से बच्चे बन जाते। शहर में सबका काम बढ़िया तरीके से चल रहा था। बंटू बड़े अस्पताल में डॉक्टर था तो मंटू स्कूल में टीचर। चिंटू हिसाब किताब में अच्छा था तो एक बड़ी कंपनी में मुनीम हो गया, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। पिंटू का शहर में बहुत बड़ा सलोन था। इस बार चारों ने गांव जाकर फिर से अपने बचपन को जीने की योजना बनाई। काफी वक्त बीत गया था, गांव भी अब पहले जैसा नहीं था। रास्ते गलियां भी अब उतनी चौड़ी नहीं दिख रही थी जितनी बचपन में दिखती थी। जहां चारों दोस्त शरारतें करने के बाद छिप जाया करते थे, वहां आज किसी ने अपना घर बना लिया था। एक बार तो उन्हें लगा शायद किसी गलत गांव में आ गए हैं। चारों इसी सोच में थे कि सामने से हरियाणाई का बेटा मोती चला आ रहा था। अरे मोती, तुम यहां गांव में क्या कर रहे हो? तुम तो शहर गए थे ना पढ़ने के लिए, डॉक्टर बंटू ने हैरानी से मोती से पूछा। भैया पढ़ने के लिए गया था, पढ़ाई खत्म हो गई सो वापस आ गया, मोती ने जवाब दिया। इस पर चिंटू मुनीम ने पूछा, हरिया काका ने तुम्हारी पढ़ाई पर इतना खर्च किया और तुम यहां वापस आ गए? शहर में नौकरी करते तो जितना पैसा खर्च हुआ है उससे दुगना तिगुना कमाते। मोती तुम तो हिसाब के कच्चे निकले। चिंटू मुनीम की बात पर सभी ने हां में हां मिलाई। चिंटू भैया, मैंने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके बापू की जमीन को 8 गुना बढ़ा लिया है। हमारी गन्ने की फसल हर साल आसपास के 10 गांव में सबसे बढ़िया होती है। पिछले साल हमें सरकार से इनाम भी मिला है। पास ही में है मेरा खेत, चाहे तो घूम आए। ये कहकर मोती अपने रास्ते निकल गया और चारों दोस्त एक बार फिर अपना बचपन जीने के लिए मोती के खेत की ओर निकल चले। हैं? इतना बड़ा खेत? जहां तक नजर जा रही है गन्ने ही गन्ने लगे हैं, चिंटू खेत को देखते ही बोला। इस पर मंटू चहक कर बोला, गन्ने तो देखो, मोटे ताजे और रसीले, चलो गन्ने खाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, सभी एक स्वर में बोले। पहले तो गन्ने तोड़कर चारों ने खूब तलवारबाजी की और जब थक गए तो आराम से पेड़ के नीचे बैठकर खूब गन्ने खाए। मोती को खेत में हुई इस धमा चौकड़ी की पूरी खबर पहुंच गई थी। मोती समझदार था, वो जान रहा था कि चारों दोस्त पुराने दिन फिर से जी रहे हैं, इसलिए उसने इस बात को जाने दिया। सोचा 2-4 दिन में वापस चले जाएंगे। वहां चारों दोस्त इतनी मौज में आ गए कि अब यही उनका रोज का काम हो गया, लंबी छुट्टी जो लेकर आए थे। 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन, आज 15वें दिन भी चारों दोस्तों का जोश रत्ती भर भी कम नहीं था। मोती जब वापस लौटा तो उसने खेत में हो रही धमा चौकड़ी को अपनी आंखों से देखा। खेत तकरीबन आधा बर्बाद हो चुका था। मोती को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चारों दोस्त इतने मस्त और उन्मादी हो गए थे कि समझदारी की कोई बात शायद ही उन्हें समझ आती। अगर मैं इन्हें गुस्से में रोकूंगा तो ये चारों मिलकर मुझे ही पीट डालेंगे। अब इस मुसीबत से मुझे एक एक करके निपटना पड़ेगा, यही ठीक है। अरे आओ मोती भैया, हम राजा राजा खेल रहे हैं, जो जीतेगा खेत उसका, मंटू गन्ना खाते हुए बोला। मोती खेत की दुर्दशा देखकर दुखी होकर बोला, लेकिन मैं किससे लड़ूं? यहां बंटू भैया, ये तो डॉक्टर साहब हैं,
भगवान के रूप, इनसे नहीं नहीं नहीं। और मंटू भैया, ये तो अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, इन्हें कैसे। और पिंटू, वो तो अपना भाई है, ये शहर के नाई, हम गांव के नाई, इनको तो बिल्कुल नहीं। अब बचे चिंटू भैया, तुम ही आओ। मोती की इस बात पर सभी हंसने लगे। मोती भैया, बिल्कुल लिहाज ना करना, मार पीट असली लगे, पिंटू ने खेल शुरू करवाते हुए कहा। मोती तो यही चाहता था, तुरंत बोला, क्यों चिंटू बाबू, दुनिया का फायदा नुकसान देखते हो, मेरा नुकसान नहीं दिख रहा। ऐसा ही काम शहर में करके तुम अपने मालिक का भी नुकसान करते होगे। इतना कहकर मोती ने चिंटू की एक के बाद एक कई गन्नों से जमकर पिटाई की। चिंटू इससे पहले कुछ समझ पाता, उसकी काफी पिटाई हो चुकी थी। आखिरकार चिंटू समझ गया था कि ये खेल नहीं है, मोती ने उसे खेत बर्बाद करने की सजा दी है। वो चाहता तो था कि अपने दोस्तों को मोती की चाल बता दे, लेकिन इतना पिटने के बाद उससे बोला भी नहीं जा रहा था, और वो जो बोल रहा था वो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। अब बस देखना था कि अगली बारी किसकी। मोती फिर बंटू की तरफ बढ़ा। ये तो नहीं, इनके तो मरीज इन्हें पूछते हैं, ना ना ना। और मंटू भैया, ये तो मां सरस्वती के दूत हैं, कानों को हाथ लगाकर नाना। और तू पिंटू, तू आ जा, भाई का ही खेत मिला बर्बाद करने के लिए, बजाय इसके कि उन्हें समझाता, खुद ही इनमें मिल गया। तेरी तो सबसे ज्यादा धुनाई होनी चाहिए। पिटने के बाद पिंटू के पास तो बोलने क्या, सोचने की भी ताकत नहीं बची थी, चुपचाप जाकर चिंटू की बगल में लेट गया। मोती अब फिर बंटू की ओर मुड़ा। बंटू भैया, आप तो दिव्य आत्मा हैं, मसीहा हैं, आप तो नहीं, तुम किनारे आओ। मंटू, बच्चों को यही पढ़ाते हो, यही सिखाते हो, दूसरों का सामान चोरी करो, उनका नुकसान करो, अपनी मस्ती में सारी अच्छी बातें भुला दो, तुम्हें तो खुद सबक सीखने की जरूरत है। मंटू की जमकर पिटाई करने के बाद मोती अब बंटू बाबू की ओर मुड़ा। आप यहां आएंगे बंटू बाबू, या मैं डंडे के साथ आपकी ओर आऊं, मोती ने गन्ना हवा में लहराते हुए कहा। बंटू बाबू तो अब तक इस पूरे खेल को मजाक समझ रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो मोती कुछ देर पहले उन्हें भगवान का रूप बता रहा था, अब ललकार रहा है। अरे मोती भैया, हम तो खेल रहे थे, तुम तो सब सच मान बैठे, बंटू ने हाथ जोड़कर कहा। ऐसा खेल तो बच्चे भी नहीं खेलते, तुम सबके इस खेल ने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया, इतनी सजा तो तुम सबको मिलनी ही चाहिए। बंटू बाबू की भी जी भर कर सेवा करने के बाद मोती ने चारों से कहा, जब तक तुम अपने बचपन की शरारतों को जी रहे थे तब तक मैं चुप था, लेकिन जब तुम्हारी शरारतें शैतानी हो गईं, तो तुम्हें बचपन का सबक, जो तुम बचपन में सीखना भूल गए थे, आज सिखाना जरूरी हो गया कि खेल तब तक खेल है जब तक उससे किसी का नुकसान ना हो, समझे। आज के बाद फिर कभी मेरी खेत की ओर नजर की तो याद रखना, अगली बार इससे भी ज्यादा गन्ने खाने पड़ेंगे। तो देखा बच्चों, अपनी खुशियां मनाते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी काम से दूसरों को तो तकलीफ नहीं पहुंच रही, हमारी वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा हो तो हमें उस काम को फौरन बंद कर देना चाहिए। अच्छा तो बच्चों, अब हम फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।